बिस्मिल्ल रहीम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड यू स्टूडेंट्स असल आई एम वकास अहमद टूडे वी विल अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड फाइव दिस इज़ आर यूनिट नंबर सेवन अबाउट ज्योमेट्री एंड आर लेसन नंबर नाइनटीन इन दिस लेसन वी वील डिस्कस द एस एल ओ अबाउटरी ये एक समेट्री की टाइप है और उससे पहले हमें इसको डिस्कस करने से पहले हमें समेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि समेट्री क्या है कहाँ यूज होता है वो सारी चीजें आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स और टीचर्स अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ टीचर्स लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं प्रीसेसमेंट की तरफ चलते हैं वट इज सिमिट्री आपने हर स्टूडेंट ने सिमिट्री के डेफिनेशन राइट करनी है पहली दफा वर्ड सिमिट्री कहां सुना था हमने ग्रेड फोर में भी पढ़ा है कि सिमेट्री क्या है रिमाइंड करें और डेफिनेशन को अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करें फाइंड एनी थ्री थिंग्स इन सिमेट्री अराउंड यू इन द क्लास एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट यू हैव एट योर होम विच इज हैविंग सिमेट्री आपने क्या करना है के आपके घर पे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं कोई से भी थ्री के नाम राइट करने अपनी नोटबुक के ऊपर और ऑब्जर्व करें आपके सराउंडिंग में कौन सा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो सकता है जैसा कि यहाँ पर देखें मेरे पास या अपने बैग में से कोई सी भी एक बुक निकाल लें मैथमेटिक्स के अलावा और उसमें देखें ऑब्जर्व करें और मैंने मेरे पास यहां पर साइंस की बुक है और मैथमेटिक्स भी आप लिख सकते हैं मैंने अपने पास से जहाँ से रैंडमली एक बुक उठाई उसको देखा कि क्या इसमें सिमेट्री शो हो रही है या नहीं हो रही सिमेट्री क्या है बेसिकली मिडल जो लाइन है इस लाइन के राउंड जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्लिप या रोटेट करे किसी जगह पे और उसकी शेप ना चेंज हो तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिमेट्रिकल है अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर ये जो पेजेस हैं इसके राउंड जो है ये फ्लिप हो रहे हैं दिस बुक इज ऑल्सो आइंड ऑफ सिमिट्री सो इसी तरह जो आपके पास बटरफ्लाई है उसके जो विंग्स हैं वो भी सिमिट्री को शो कर रहे हैं जो मेन पॉडी है अब आ जाए नेक्स्ट आज के की वर्ड जिनको हम लोग या जो कॉन्सेप्ट है जिनको डिटेल डिस्कस करेंगे सिमिट्री डेफिनेशन इसको देखेंगे ये क्या होती है हमने ग्रेड फोर में भी पढ़ा था और आपने को आपने अपने अपनी डेफिनेशन भी नोटबुक के ऊपर लिखी है उसको और इस डेफिनेशन को जो मैं अभी बताऊंगा उसको आपने कंपेयर करना है और देखना है कि क्या डिफरेंट है इनमें एंड देन रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हम लोग इसको देखेंगे एंड देन डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और रिप्रेजेंटेशन इन पिक्चर्स थ्रू एग्जांपल अब आ जाएं ऑब्जर्व करें यहां पर इन पिक्चर्स को गौर से देखें जो यहां पर मैंने लगाई हुई हैं यहां पर देखें यहां पर सिमेट्री ला, सिमेट्रिकल लाइन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पे है? बनती है आपका जो बॉडी है वो भी सिमेट्री में को शो करता है कौन सी चीज शो कर रही एंड देन देखें यहां पर जो बैकबोन है ये जो बैकबोन है आपकी ये सिमिट्रिक लाइन को शो कर रही है यहां पर इसी तरह ये जो बटरफ्लाई है इसके मिडल वाला जो पार्ट है ये जो लाइन है इसके राउंड जो है ये जो बटरफ्लाई है ये फ्लिप हो रही है इसके जो विंग्स हैं इसी तरह आप बैकबोन को देखें ये भी सिमिट्री को शो कर रही है लाइन ऑफ सिमेट्री तो स्टूडेंट्स ये तो थी वेरी क्लोज जो हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं अब आ जाए नेक्स्ट सिमेट्री है क्या सिमेट्री वी आर फेमिलियर विद सिमेट्री सिमेट्री डिफाइन दैट वन शेप एग्जैक्टली लुक्स लाइक द अदर शेप वेन इट इज फ्लिप्ड ओवर मूव्ड आर रोटेटेड वो सेम ही रहती है अगर किसी पॉइंट के राउंड या किसी साइड के ऊपर या लाइन के राउंड फ्लिप करे या मूव करे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही रहे उसमें कोई चेंजेस ना हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिमिट्री या सिमिट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ सिमिट्री नंबर वन रिफ्लेक्टिव सिमिट्री जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और रोटेशनल सिमिट्री जिसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे यहां पर आज हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को देखेंगे जैसा कि लाइन ऑफ सिमेट्री के राउंड जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिप कर रहा है देखें अब नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या है ये स्क्वेयर है इसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की और ये जो लाइन है ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है फ्लिप करें इसकी शेप चेंज नहीं होगी सो so ये जो मिडिल होगी ये लाइन ऑफ होगी और ये स्क्वेयर जो है वो सिमिट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाएगा इसी तरह जब हैं वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहे हैं दोनों डायगनल्स सो अमेट्री इन विच वन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द अदर हाफ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट सेम के ऑब्जेक्ट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक हाफ जो है सो so, एग्जाम्पल इन गिवन फिगर इच लाइन डिवाइड द फिगर इन टू टू इक्वल पार्ट इफ यू टेकोर शेप्लीट सो जो लाइन है किसी भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन टू पार्ट इक्वल पार्ट में और इस लाइन के राउंड जो है वो ऑब्जेक्ट फ्लिप कर रहा होता है सो so, अब आ जाए एग्जाम्पल इलेवन की तरफ एग्जाम्पल में क्या है कंप्लीट द शेप अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन ऑफ सिमिट्री बाई यूजिंग द रिफ्लेक्टिव सिमिट्री अब आपके पास ये लाइन ऑफ सिमिट्री गिवन है और इसका हाफ सर्कल गिवन है इसको जब फ्लिप किया तो ऐसे ये, ये लाइन जो है मिररर लाइन है जब आप अपना फेस ग्लास में देखते हैं सुबह या जब आपने हेयर कॉम करने होते हैं तो आपको आपकी शक्ल नजर आ रही होती है जो क्योंकि आपकी जो शक्ल है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है ग्लास के अंदर आप नजर आ रहे होते हैं और वो जो दरमियान में एक लाइन आती है या मिरर आता है वो रिफ्लेक्टिव वो जो सिमेट्रिकल लाइन होती है जो अपोजिट को या अक्स को या रिफ्लेक्शन को शो कर रही होती है सो तो, अब इसी तरह ये जो डायगनल है ये स्क्वेयर का डायगनल है हाफ पार्ट तो ये वाला है और अदर हाफ पार्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सो दिस इज दिमिट्रिकल ऑब्जेक्ट और इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में जाके और मेथोडोलॉजी मैंने ये बताई है कि आपने इस लाइन के राउंड आप उस शेप को ड्रॉ कर देना है तो अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ स्टूडेंट्स आपने ये वर्कशीट अपनी क्लास में कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करनी है और इंस्ट्रक्शन को गौर से स्टडी कर लेना है हम लोगों ने क्या देखा हमने डिस्कस किया अबाउट्री ऐसे लोग हमारा जो था वो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिविट्री के बारे में था जिसको हम लोगों ने आज के लेसन में डिस्कस किया अब आ जाए होमवर्क की तरफ होमवर्क में आप लोगों के लिए ये एक होम एक्टिविटी है जिसको आपने परफॉर्म करना है और एक्टिविटी को फिर टीचर को सबमिट करवा देना है चेक सिमेट्री इन योर योर हैंड्स इज शर्ट रिफ्लेक्टिव सिमेट्री यहां पर ये देखे लाइन थिंक अबाउट इट एंड कंप्लीट इट तो कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा दें तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है वी एल सी इन आर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एस एलो अल्लाह हाफिज